सो आज हमारा DNLU होस्ट कर रहा है NHRC का मूट। सो बेसिकली मूट कोर्ट कुछ नहीं होता है, मूट कोर्ट होता है एक तरीके का मॉक कोर्ट। जैसे हम लोग मॉक टेस्ट देते थे एक क्लैट के एग्ज़ाम के पहले, ये सेम टू सेम वैसा ही है। यहाँ पे भी आपको कंडीशंस दी जाएंगी, मतलब केस दिया जाएगा, उस केस के ऊपर आपको स्टडी करनी पड़ेगी और उस केस को एक रियल केस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। सो ये बेसिकली प्रैक्टिस करवाने के लिए होता है कि जब आप एक्चुअल में कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे उससे पहले आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो कि किस तरीके से आप कोर्ट में जाके प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं, किस तरीके से आपको प्रोसीडिंग्स करनी होती है। मैं सजेस्ट करूँगा सबको मूट्स करने ही चाहिए क्योंकि मूटिंग का कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ आपको जाना हो जुडिशरी में एंड इफ़ आपको जाना हो लिटिगेशन में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NHRC के मूट में हमारे फर्स्ट ईयर का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। ये है हमारे क्लास के CR कनक। कनक हाय, एंड ये है अभय। तो कनक और अभय क्या कर रहे हो आप NHRC के मूट में, बताइए। हम असेस बने, टीम्स को असिस्ट करना है, मतलब जो डिफरेंट नेशनल लॉ कॉलेजेस से जो टीम्स आई है और अलग अलग लॉ कॉलेजेस से टीम आई है उनको सपोर्ट करने के लिए। बेसिकली उनको अगर कोई भी रिक्वायरमेंट्स हो तो उसका हमें टेक केयर करना, उनकी सिक्योरिटी और कॉन्टैक्ट पर्सन जो है वो हम। सर मेरा हमारा काम मेन ये है कि कमिटीज़ और टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, कुछ भी क्वेश्चंस हैं अशर टीम्स के किसी भी रिगार्डिंग तो पहले हमें कॉन्टेक्ट करेंगे कमिटी से पहले। अच्छा, तो आप कमिटी और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच का आप लिंक है, मतलब जो भी उन्हें प्रॉब्लम होगी वो आप कमिटी तक कन्वे करेंगे। ओके, सो कैसा जा रहा है हमारा मूट कोर्ट? बहुत अच्छा जा रहा है, स्टार्टिंग हुआ है, पहले तो पहले दिन है तो रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन तो जो हमारी FFS थी, FFS के सामने वाला जो ग्राउंड है वहीं पर जस्ट अरेंजमेंट हुए हैं। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको यहाँ पे स्नैक्स और लंच प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ईयर का एक्टिव पार्टिसिपेशन देखते हुए सारे के सारे अरेंजमेंट हो रहे हैं। अभी जैसे ही उनकी ओरिएंटेशन ख़त्म होगा तो वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे। डे 1 कंप्लीट हुआ, पूरा दिन बहुत बिजी रहा, सीरियसली पूरा दिन रजिस्ट्रेशन ही चलता रहा और हम लोगों को अकोमोडेशन में उन्हें यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ा। सो शी इज़ अनुष्मिता मैम, ये थर्ड ईयर में है एंड NCC में ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे है। सो अनुष्मिता मैम, कैसा रहा NHRC का पहला दिन? पहला दिन वॉज हेक्टिक, बहुत फुल ऑफ इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, एंड सुबह से हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। क्लासेस भी मिस कर दी हम लोगों ने, वॉलंटियर्स को भी मिस करनी पड़ी क्लासेस, इवन हम लोगों ने मिस करी है क्लास। देन मतलब रजिस्ट्रेशंस के जस्ट बाद ही रिसर्चर्स टेस्ट हुआ, देन साइमल्टेनियसली ड्रॉ ऑफ लॉट्स भी हुए। ड्रॉ ऑफ लॉट्स में बहुत केओस कंफ्यूजन हो गया बिकॉज उसके बाद लाइक एक्सचेंज ऑफ मेमोज भी करना था हमें, तो वो सब किया। देन कुछ टीम्स को बहुत मतलब जेन्युइन इश्यूज भी आ रहे थे, वो सब भी ठीक किए। कुछ टीम्स अभी भी घर नहीं गई है, अपना सामान छोड़ के चली गई है। तो लाइक एक तो टीम अभी अपना मैकबुक छोड़ के चली गई, लाइक बस मैं तो इतना ही अमीर होना है लाइफ में कि मैकबुक छोड़ के जा सकते, मैकबुक छोड़ के चले गए थे राइट। एंड मैकबुक के साथ साथ अपना दूसरे ऑपोजिट टीम का। सो मैम, कल का जो दिन है वो मतलब कैसा होने वाला है, कल क्या होगा? कल 9:30 से जजेस ब्रीफिंग है फॉर प्रीलिम्स, देन प्रीलिमिनरी राउंड्स 2 बजे तक चलेंगे, 10 to 2 दो राउंड्स होंगे। उसके बाद 2 to 3 लंच होगा, उसके बाद फिर ब्रेक्स अनाउंस होंगे, देन उसके बाद सेमी फाइनल राउंड्स होंगे। तो सेमी फाइनल्स अराउंड 5 से स्टार्ट है। तो या दैट्स ऑल फॉर टुमारो, हेक्टिक होने वाला है, बहुत हेक्टिक होने वाला है कल। ओके, सो बाय। तो यहाँ पे NHRC डे 1 कम्प्लीट होता है,
पूरा दिन बहुत बिजी रहा सीरियसली। आज सारी टीम्स का रजिस्ट्रेशन चलता रहा और कल टीम्स को प्रॉब्लम दी जाएंगी जिस पे उनका मूट टॉपिक होगा, फिर उन्हें मूट करना होगा और जो दो टीम्स होंगी उनमें से कोई एक टीम जीतेगी ऑब्वियसली, और फाइनल्स में देखते हैं कौन जीतता है।